हम सबके साथ ऐसे भी बहुत जने होते हैं जो पूरा दिन फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा ये सब खा के भी उनके फिगर को एक रनवे मॉडल की तरह फ्लॉन्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात सच है, कुछ लोगों की जेनेटिक्स के वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, लेकिन अगर आपकी ऐसी किस्मत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें या बहुत दिनों तक अपने मनपसंद चीजों से दूर रहें। एक बात ये भी है, कम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ही देर बाद आप अपना खाना इंटेक करते रहे, अपने मील्स लेते रहे, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता रहेगा। कम खाना खाने से आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो सकती, बल्कि अगर आप कुछ देर बाद अपने मील्स को इंटेक करें छोटे छोटे पोर्शन में, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है। साथ में आपको कुछ ऐसे फूड को सिलेक्ट करना होगा अपने मील में जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में आपको हेल्प करे। खासकर कुछ स्पेसिफिक फूड्स पे ध्यान देने से आप फास्ट मेटाबॉलिक रेट अचीव कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी की वजह से आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ आपका इंप्रूव हो सकता है, साथ ही एनर्जी लेवल्स आपका बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, एक फास्ट मेटाबॉलिज्म के साथ टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कुछ तरीके के कैंसर की रिस्क भी कम हो सकता है। हाय, दिस साइड शिल्पी रॉय अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन। और आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हिच टाइप ऑफ फूड इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। कुछ ऐसे फूड भी है जिसमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने वाले स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इससे कैलोरी बर्निंग का रेट बढ़ जाता है। आप अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के ओबेसिटी जैसे बीमारियों को और उसके साथ रिलेटेड कई सारे कोमोर्बिडिटीज को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं? डोंट वरी, ये सब आपके डेली मील्स के ही एक हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग वाइट। दिन के परफेक्ट शुरुआत के लिए एग वाइट से बना हुआ कोई भी डिश, चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो एग वाइट सैलेड हो, या फिर सिर्फ बॉयल्ड एग वाइट हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ब्रेकफास्ट का। एज पर इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन, एग वाइट ब्रंच इन अमाइनो एसिड में भरपूर होते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को पूरा दिन स्पीडी रखने में मदद करते हैं। सेकंड इज ग्रीन टी। दिन में 3 से 5 कप ग्रीन टी बॉडी फैट को दूर रखने में मदद करते हैं। ये कैफीन और EGCG जैसे बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को काफी हद तक बढ़ाने में सफल होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ग्रीन टी 24 घंटे में आपकी मेटाबॉलिज्म को 4% तक बढ़ाता है और 70% कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करता है। मतलब आप एक साल में लगभग 3 किलो या फिर 10 साल में 30 किलो तक वेट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉफी। एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी सिर्फ आपकी फ्रेशनेस को ही नहीं बढ़ाते हैं, आपकी पूरी कैलोरी बर्न रेट को 75-110% तक बढ़ा देते हैं। जिनको ब्लैक कॉफी पीने की आदत है, उनका एवरेज मेटाबॉलिक रेट डीकैफ वाले ड्रिंकर से 60% तक ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम इज मिल्क एंड योगर्ट। कैल्शियम का डेली कंजम्पशन हमारे बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करते हैं। और दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया, जो आपके डाइजेशन में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। प्रॉपर डाइजेशन आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम इज डार्क चॉकलेट। एक पीस डार्क चॉकलेट आपके डेली के मूड और मेटाबॉलिज्म को अच्छे रखने के लिए परफेक्ट है। डार्क चॉकलेट में नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड या म्यूफा होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में मदद करते हैं, और इसी की वजह से आपकी कैलोरी बर्न भी तेजी से होते हैं। रिसेंटली एक रिसर्च से पता चला है कि डार्क चॉकलेट खाने से आपके फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के अब्सॉर्प्शन भी कम हो जाते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाटर। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छे वे है वाटर इंटेक। ये सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक रेट को नहीं बढ़ाते हैं, साथ में आपके डाइजेशन, आपके मूड फ्रेशनेस और उसके अलावा आपके एपेटाइट सप्रेशन में बहुत हेल्प करते हैं। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म रेट 30% तक बढ़ जाते हैं। आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप जितना फूड पूरे दिन में ले रहे हैं, उसमें अगर आप अपने पानी की इंटेक 2 ग्लास ज्यादा कर देंगे, तो आपका वेट लॉस भी उतनी ही तेजी से होगा। अल्टीमेट बात आप समझ ही गए हो कि वेट लॉस करना हो या फिर आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना हो, दोनों चीजों में वाटर शुड बी योर अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।